अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल लर्निंग टेक में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो में हम वही आगे नेक्स्ट उसको लेके चलेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में जिस तरह मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी, हाइट एंड विड्थ के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, ओवरफ्लो के बारे में बताया था, ठीक है। तो उसके बाद अब ये वही नॉर्मल चीज़ है, ये कोई इतनी कोई मुश्किल चीज़ है कोई नहीं। आउटलाइन में क्या है कि वो जो हमने पीछे लगाया था कंटेंट और ये बॉर्डर के दरमियान जो होता है ये पैडिंग होती है, और ये बॉर्डर के बाहर का जो एरिया होता है यहाँ पर हम मार्जिन लगाते हैं, और ये आउटलाइन बॉर्डर के बाहर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको आसानी से आप इसको खुद जोन सा है इसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको देख लेता हूँ यहाँ पर कोई आसान सा कोई एग्जाम्पल, अगर आपके पास बॉर्डर में अगर हमारे पास हो तो। अब ये पी का टैग है, ठीक है, यहाँ पे पी के टैग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल उसका मार्जिन इतना दे दिया, बॉर्डर इतना दे दिया, आउट। अब ये बॉर्डर क्या है कि ये जो पी का टैग है उसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा, और आउटलाइन क्या है कि बॉर्डर के ऊपर एक और चीज़ आ गई, जिस तरह ये आएगी, ये आपका पी का टैग है, ये आपने बॉर्डर दिया है तो ये बॉर्डर आ गया, ठीक है, और आपने बॉर्डर के ऊपर एक आउटलाइन दे दिया तो ये आउटलाइन ये काम करती है, बस इसके अलावा इसका कोई खास। अब सी एस एस टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जनाब। अब टेक्स्ट में क्या है जनाब, टेक्स्ट का कलर जनाब आपने चेंज करना है, उसके अलावा टेक्स्ट अलाइन चेंज करनी है, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत हल्के हल्के हम यहाँ पे करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं H1 से स्टार्ट करता हूँ, बस H1 हम कर लेते हैं, ठीक है। वेलकम यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेलकम, ठीक है। और इसके बाद मैं क्लास असाइन कर देता हूँ, क्योंकि मैं क्लास के थ्रू क्लास करूँगा, C2 क्लास का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर C.C2 लिख देते हैं। और यहाँ पर जनाब यहाँ मैं लिखता हूँ जी कलर, कलर सॉरी COLOR कलर ग्रीन, ठीक हो गया। तो अब इसका कलर जनाब आप देखोगे तो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ये टेक्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन आ जाएगा, टेक्स्ट अलाइन में ऐसे करता हूँ जी सेंटर, ये हम पहले कर चुके हैं। तो अब आप इसको रिफ्रेश करें तो देखें जी ये टेक्स्ट हमारा सेंटर में हो गया। उसके अलावा टेक्स्ट अलाइन राइट लेफ्ट जो भी आप करना चाहो, टेक्स अलाइन जस्टिफाई, जस्टिफाई ये होता है कि जब आपने वो टेक्स्ट लिखा होता है तो वो वर्ड में जिस तरह हम जस्टिफाई करते हैं तो वो राइट और लेफ्ट पे जो हमारे स्पेसेस होती हैं उसको ज़रा सेट करते हैं, तो ये टेक्स अलाइन जस्टिफाई है। टेक्स डेकोरेशन नन, ये हम आगे जब एंकर के टैग में जाएंगे उस पर मैं आपको बताऊँगा ये टेक्स डेकोरेशन नन क्या चीज़ है टेक्स की तरफ से। हाँ ये आप देखते हैं टेक्स डेकोरेशन ओवरलाइन, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन, ठीक है। यहाँ पे आप टेक्स डेकोरेशन ओवरलाइन लिखो, रिफ्रेश करो, तो ये जनाब क्या आ रही है, ये ऊपर एक लाइन आ रही है, ठीक है, ये टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या चीज़ है, लाइन थ्रू है, अंडरलाइन है, लाइन थ्रू क्या है कि उसके सेंटर में लाइन आ जाएगी, ठीक है, लाइन थ्रू, लाइन LI लाइन, लाइन थ्रू, ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये लाइन थ्रू इसके सामने ये चीज़ आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो उनसे है वो अंडरलाइन 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 कर लेगी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कहेंगे अपर केस लोअर केस में हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करना। अब ये छोटे में लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे अगर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कैपिटलाइज कर दूँ, ठीक है, कैपिटलाइज फॉर एग्जाम्पल करता हूँ, तो पहले इसमें क्या है ये छोटे वर्ड लिखे हुए हैं, रिफ्रेश करता हूँ ये देखें जी पहला लेटर बड़ा आ गया कैपिटलाइज में, अपर केस करूँगा तो तमाम अपर केस हो जाएंगे, लोअर केस तो पहली लोअर है तो लोअर केस हो जाएगी, ये चीज़ें इसमें हैं, ये आप खुद कर सकते हो। टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है, तो वो पी जो उनसे होता है पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी सी आगे हो जाती है, अगर हमने पैराग्राफ में 4-5 लाइन लिखी है तो पहली जो लाइन होगी वो टेक्स्ट इंडेंट होगी, ये इसमें टेक्स्ट इंडेंट में हो जाएगा। लाइन हाइट दे सकते हैं, यहाँ पर इन चीज़ों को आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सी एस एस फॉन्ट में अगर हम चले जाएँ, फॉन्ट साइज दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी फॉन्ट फैमिली, ठीक है, फॉन्ट फैमिली में सबसे पहले मैं जॉर्जिया दे देता हूँ, उसके बाद मैं सेकंड पे एरियल दे देता हूँ, उसके बाद मैं टाइम्स न्यू रोमन दे देता हूँ। ये तीन क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ब्राउज़र जो सा है वो एक को सपोर्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ पुराने ब्राउज़र होते हैं वो जॉर्जिया कंटेंट सपोर्ट नहीं करते, अच्छा जॉर्जिया के बाद वो एरियल टाइम्स को भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर वो इसको भी सपोर्ट नहीं करते, इसको नहीं सपोर्ट करते, तो एंड में क्या कर लो कि आपको चलो यार ये ले लो टाइम न्यू रोमन, सॉरी एक मैंने दो ही लगाए, टाइम न्यू रोमन और सॉरी जॉर्जिया एरियल और टाइम न्यू रोमन, ठीक है, ये तीन मैंने लगाए। सबसे पहले जॉर्जिया लेगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ,
देखें ये जॉर्जिया कॉन्टैक्ट में, मैंने देखूंगा बाकी सारी उड़ा दी होती थी कि जॉर्जिया कॉन्टैक्ट में इसको कर दिया, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो फ़ॉन्ट फैमिली ये देखेंगे, फ़ॉन्ट अच्छा फ़ॉन्ट फैमिली कॉमा, अच्छा ये इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं इसमें दिया हुआ ना, ठीक है। अच्छा जिसमें स्पेसिंग है उसमें आपको डबल कोटेशन में देना है, अदरवाइज़ आप सिंगल में भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप टाइम न्यू रोमन है तो टाइम न्यू रोमन को आप कोशिश करो कि डबल कोटेशन में दो, ठीक है। और सॉरी कॉमा भी नहीं लगाया मैंने, कॉमा भी लगाना है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सॉरी ये अब जॉर्जिया फ़ॉन्ट, ये जॉर्जिया फ़ॉन्ट है, ठीक है। और पहले में से कहीं मिस्टेक हो गई तो इस तरह करके आप दे सकते हो। ये फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब फ़ॉन्ट साइज़ आप दे दो यहाँ पे, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ F20 फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ पे दे दो 70 पिक्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये देखिए जी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया। इसी तरह आइकन्स को हम बूस्ट टैब में देखेंगे, बाकी ये चीज़ें आपने पढ़े। लिंक्स जोन से हैं, हाँ ये लिंक जोन से हैं ये, ठीक है। इसको हम सूडो क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। बल्कि इधर ही इसको देख लेते हैं, लिंक को जोन सा है वो इधर ही देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखें कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा इसमें मैं ना आपको सूडो क्लासेस भी पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे नीचे आ जाता है सूडो क्लासेस, सूडो क्लासेस और ये लिंक्स, ये दोनों इकट्ठे आप समझ सकते हो, ठीक है। अभी मैं इधर समझा देता हूँ आप। यहाँ पे देखें हम यहाँ पे ये आ गया H1 का टैग को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या यहाँ पे H1 लिख लेना, चलो H1 लिख दूँ, H1 लिख दूँ। चल एंकर के टैग के साथ ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं एंकर का टैग ही यूज़ करता हूँ, बाकी किसी के साथ अब यूज़ कर सकते हैं। एंकर का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यूज़ क्यों करते हैं एंकर का टैग, एक लिंक से दूसरी लिंक जाने का। यहाँ पे हम कोई पेज दे देते हैं, ठीक है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो उस पेज पर हम चले जाएंगे। अब मैंने जिस पेज का नाम दे दिया वो घूम पे किसी पेज पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेलकम होम, ठीक है। होम फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लिंक दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होम लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब ये मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो उसी पेज पे दोबारा आ जाता है। अगर मैं कोई और लिंक दे दूँ यहाँ पे, पेज कोई और लगा दूँ जब मैं क्लिक करूँगा तो उस पेज पे चला जाएगा, ठीक है। मेरे पास पेज अभी एक ही है तो मैं फिर एक ही पेज मैंने दिया। तो यहाँ पे हम बात कैसे कर रहे थे, एक ही बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा लिंक का कलर, अब लिंक का कलर जो सा हमारे पास कौन सा आ रहा है ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर, लिंक का कलर हमारे पास ये आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ ये लिंक का कलर ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास के थ्रू भी कर सकता हूँ और एंकर के टैग लगा के ये करके ये, और कलर दे दें तो क्या नहीं होगा, इस तरह करने से होगा, यस इस तरह करने से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एंकर का टैग दिया और साथ ये क्या चीज़ दी है उसने, रिलेटेड होवर, ठीक है ठीक है। ये बेसिकली सूडो क्लासेस ही लगी हुई हैं, ठीक है। कि मैं जब एक के ऊपर जाऊँ ये होवर एक क्लास है, ठीक है। जब मैं एक के ऊपर जाऊँ तो वो चेंज हो। मैं अब यहाँ बताता हूँ, ये मैंने और तरीके से भी किया है काम, ये और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ, यहाँ से आपको सही समझ आएगी, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर जाऊँ, जैसे मैं इस लिंक के ऊपर जाऊँ उसका कलर चेंज हो, ठीक है। डायनेमिकली इसका कलर चेंज हो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, जैसे इसके ऊपर आऊँ तो इसका कलर जो सा है वो ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास किसका ये टैग कौन सा, ए का टैग है। तो ए का टैग और कॉलन और अब सूडो क्लास, सूडो क्लास क्या है जी, होवर। होवर का मतलब क्या होता है, माउस ऊपर जाए तो होवर जाए तो क्या हो, कलर जोन सा है वो क्या हो जाए, वो ग्रीन हो जाए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ये देखें कलर ग्रीन। अब मैं कहता हूँ इसके ऊपर जाए तो फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हो जाए। मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिख देता हूँ, जो आप करना चाह रहे हो कर सकते हो, 4 साइज 90 पिक्सल। एक बात है, मैं जैसे इस पर जाता हूँ देखें, जैसे ही मैं इस पर गया देखें फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। तो जो आप काम करना चाहते हैं मैं ख़त्म करता हूँ, ये कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक सूडो क्लास है, ठीक है। इस तरह हमारे पास होती है, जैसे ए होवर है, इस तरह हमारे पास, यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ, इस तरह हमारे पास ए लिंक होती है। ए लिंक वो होता है जो अनविजिटेड होता है, कि मैंने अभी तक उस पर क्लिक नहीं किया। विजिटेड लिंक वो होता है कि जिस पर मैं एक दफ़ा क्लिक कर चुका हूँ, तो जब मैंने ए विजिटेड कर दिया उसका कलर, तो फिर उसका कलर अगर मैंने क्लिक कर दिया तो एक दफ़ा तो उसका ये कलर हो जाएगा। फिर होवर की मैं बात करूँ, एक्टिव का लिंक वो होता है कि जो आप कहते हो कि वो जिसका कलर हमेशा जो उनसा है ना, वो जो अब ये एक्टिव है, कि जो एक्टिव है उसका कलर देखें चेंज हुआ हुआ है, देखें ये अब होवर लगा हुआ है। जैसे मैं इसको बजाता हूँ ये होवर है,
देखिए कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, और ये एक्टिव है। एक्टिव वो होगा जो अभी मेरा पेज चल रहा है उसके ऊपर जो कलर है, ये एक्टिव कैसा है। ठीक है, तो ये सूडो क्लासेस थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस में कुछ एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पर हम इंशाल्लाह बूटस्ट्रैप पे चलेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं इसको आप देख सकते हैं। इसमें हम जो टेबल्स हैं ये हम बूटस्ट्रैप में देखेंगे। इसमें एक दो चीज़ें रह गई, डिस्प्ले प्रॉपर्टी रह गई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, और इसमें हमारे पास इतना कोई खास इतनी को खास ज़्यादा चीज़ नहीं है, बल्कि मैं इसी में आपको बता देता हूँ ये डिस्प्ले क्लास है क्या मसला बात है। डिस्प्ले इसमें एक हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिस्प्ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इधर ए के टैग भी बता दूँ, ए के टैग के अंदर हम कहते हैं, बल्कि ए के साथ मैं लगा देता हूँ होवर, ठीक है। जैसे होवर हो, मैं कहता हूँ ये जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ, मैं जैसे ही इस पर होवर करूँ तो ये डिस्प्ले गायब हो जाए। तो ये हमारे पास डिस्प्ले का एक होती है प्रॉपर्टी, डिस्प्ले, डी डिस्प्ले, डिस्प्ले, उसको मैं कहता हूँ जी नन, डिस्प्ले नन कर दो जी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इस पे जाता हूँ देखिए ये गायब हो गया। तो ये डिस्प्ले मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले नन कर दिया कि डिस्प्ले ना हो, ठीक है। तो ये जो उनसे हम इसको जो उनसे है डिस्प्ले नन इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी इंशाल्लाह, कोई और वीडियोज़ होंगी तो मैं इंशाल्लाह उसको सी एस एस में, और कोई अगर एडवांस होगी तो मैं इंशाल्लाह उसमें अपलोड करता रहूँगा। और इसमें जो उनसे है वो अब जो टेबल्स वगैरह हैं ये मैं इंशाल्लाह आपको बूटस्ट्रैप के थ्रू करवाऊँगा। और ठीक है जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी उसको लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।